Welcome to online classes. So we have discussed chapter 2. Now today we will discuss what? We will discuss motions of the earth. So chapter 2 we have completed. Now we will discuss motions of the earth. Whatever discussed, you should revise at least 2 times so that you can remember all the points which I have discussed in our class. So now we will discuss a different topic called motions of the earth. ये हमारा पार्ट वन है उसका. सो लेट अस स्टार्ट. सो मोशंस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ पे कई तरीके के मोशंस होते हैं, कई तरीके की उसमें जो है गतियां होती है, डायनेमिक्स होते हैं. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज इट. देयर आर सम टर्म्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. सो नाउ वी विल डिस्कस. सो एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो जो अर्थ है ना, उसके दो तरीके के मोशन होते हैं. एक तो क्या, रोटेशन होता है और एक रिवोल्यूशन होता है. ये हमारे दो टाइप्स हो गए मोशंस की. वन इज रोटेशन, सेकंड इज रिवोल्यूशन. तो मोशंस टाइप्स अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ मोशंस, तो वन इज रोटेशन. ये अर्थ की बात करें, अगर अर्थ का मोशन पूछा जाए ना, कि give us types of earth's motion, so what we will give, rotation and revolution. Now what is rotation? So rotation is the movement of the earth on its axis. So rotation kya hota hai abhi? Rotation jo hai ek movement hota hai earth ka apne axis pe. Jaise ki earth ye hai, ये अर्थ है. मान लो ये जो पेन है, ये क्या है, ये एक अर्थ है. अब अर्थ किस तरीके से रोटेट कर रहा है अपने अक्ष, अपने एक्सिस पे. उसका एक्सिस है उसी पे वो जो इस तरीके रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सिस पे. तो इसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे. अब द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अब अगर जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इस तरीके से, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि भाई सन तो एक तरीके से रोटेट करता है, सॉरी ये जो सन है उसके अराउंड अर्थ जो है ऑर्बिट में चक्कर लगाता है. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था. तो उसी क्या कहते हैं, फिक्स्ड पाथ में जो चक्कर लगा रहा है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं. तो अगर अपने एक्सिस पे लगा रहा है तो रोटेशन, और सन के चक्कर लगा रहा है अर्थ तो उसे रिवोल्यूशन कहेंगे. फिक्स पाथ होता है उसका, ये आपको याद रखना, ठीक है. फिक्स होता है मतलब कोई भी चेंज नहीं होता, जो पाथ है वही रहेगा, हमेशा वही चलता है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं. ये दो परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है. दीज आर कॉल्ड द डेफिनेशंस ऑफ अर्थ मोशन और मे बी द टाइप्स ऑफ अर्थ मोशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स वन बाय वन. The axis of the earth, which is an imaginary line, I told you in your first chapter, the earth's axis is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane. तो जो अर्थ है जो अपने एक्सिस पे है, वो एक्सिस जो है उसका इमेजिनरी लाइन है, और उस लाइन पे वो 66.5 degrees का एंगल बना रहा है. कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 66.5 degrees का. यहां पे देखिए, ये मान लिया अर्थ का एक्सिस है, क्या है ये, ये मान लिया हमने कि ये भाई ये जो डॉटेड लाइन है ये अर्थ का एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन. अब ये जो है इसका हमें पता है क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है, हमने पढ़ा था. तो अगर यहां पर देखा जाए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है भाई. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां हमने मान लिया. अब यहां पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा क्या है, हमारा एक्सिस है. तो अगर यहां पे एक्सिस जो है वो ऑर्बिट, ये द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, और ये प्लेन है अर्थ ऑर्बिट का. अब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 66.5 degrees का एंगल बना रहा है, बिल्कुल. तो उसी क्या गोड़ी हम यहां पे देख लेंगे.
लेकिन वो भी अर्थ के ऑर्बिट से, तो वो ये बात कर रहा है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये क्या है, ये ऑर्बिटल प्लेन ही तो है जिसपे ये एक्सिस कितना बना रहा है 66.5 डिग्री। चलिए ये हमने यहां से देख लिया, अब आगे देखते हैं। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन हमने क्यों कहा भाई, क्योंकि जो ऑर्बिट है उस पर यह प्लेन फॉर्म हुआ है, इस वजह से हमने इसको ऑर्बिटल प्लेन कह दिया। भाई ऑर्बिट में जो है चक्कर लगा रहा है सन के, तो वो जो ऑर्बिट है उसका जो प्लेन है उसे हमने ऑर्बिटल प्लेन कह दिया, और उससे जो डिग्री बना रहा है एक्सिस वो 66.5 डिग्री है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, बिल्कुल सन से लाइट रिसीव करेगा। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। फिगर 3.2 आपको देखना है, चलिए देखते हैं। ये हमारा फिगर 3.2, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, और जो स्फेरिकल है। अब जब स्फेरिकल है तो जैसी सन की यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो सिर्फ ये वाला भाग जो है ना जहाँ पे लाइट पड़ रही है यहाँ पे ही आपकी लाइट होगी, बाकी जो है वहां पे डार्कनेस होगी, रातें होगी, इधर दिन होगा उधर रात होगी। तो ये चीजें हैं, डे और नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, और ये रोटेट करता रहता है, इस वजह से क्या होता है रात दिन रात दिन रात दिन चलते रहते, कभी इधर रात कभी इधर रात, कभी उधर दिन कभी इधर दिन, चलता रहता है क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। ये देखिए रोटेट करने का बताया था, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट। तो इस तरीके की चीजें जो है हम सब जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भाई एक टाइम पे सिर्फ एक जगह ही सन हो सकता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे, मैंने आपको बताया डे, और जो हाफ द अदर हाफ जो है वहां पे नाइट होगी, बिल्कुल जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो वो सर्कल जो डिवाइड करता है किसको, डे को नाइट में, डे फ्रॉम नाइट से जो है करता है ऑन द ग्लोब पे, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखते हैं भाई सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। ये देखिए ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है डे को नाइट में, और ये भी ऐसे लाइन बता रखी मगर है तो सर्कल ही। तो इस तरीके का इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डे को नाइट से डिवाइड करता है, या डे और नाइट में जो है अर्थ को डिवाइड कर रहा है इसमें। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, तो देखिए ये अपने एक्सिस पे जो टिल्टेड है अर्थ, ये भी हमने देखा है यहाँ से। टिल्टेड मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ एक्सिस जो है, ये अब इससे थोड़ा झुका हुआ है 23 डिग्री पे, क्यों, क्योंकि 66 का हम हाफ कर लेंगे। अब देखिए आगे आगे देखते हैं, ये आगे आएगा 23.5 डिग्री वाला। चलिए अब हम आगे इल्यूमिनेशन सर्कल हमने देख लिया, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो जो डे और नाइट को डिवाइड करता है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। जो आपको 3.2 में जो फिगर दिया हुआ है ना उसमें आपको लग रहा होगा कि ये कंसाइड कर रहा है एक्सिस के साथ, कि भाई ये एक्सिस है, भाई एक्सिस है नहीं, ये एक्सिस के साथ कंसाइड नहीं करता, मतलब उसके साथ मिलता नहीं है। मैं यहाँ पे भी ये जो लग रहा है वो एक्सिस है, ये भी एक्सिस होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को जो है कितना 24 घंटे लगते हैं, और एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना करेगा 360 डिग्री घूम जाएगा, तो ये 24 घंटे में करता है, ये भी हमने यहाँ से देख लिया। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और जो ये घूमेगा ना रोटेशन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अर्थ का डे, क्या कहेंगे अर्थ का डे। दिस इज डेली मोशन ऑफ द सन, और ये डेली चलता है आप सब जानते हैं, हर दिन, जैसे आज का दिन है
तो आज आपने सुबह सुबह देखी होगी, रात को आप रात देखेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये डेली मोशन है, हर टाइम अर्थ जो इस तरीके से ही मूव करता है, गति करता है। तो ये हमारा रोटेशन जो है, पीरियड ऑफ रोटेशन को उसे हमने अर्थ डे कीजिए बोला। जय आपसे अर्थ डे क्या होता है भाई? वो तारीख जब अर्थ जो है अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है। और एक रोटेशन पूरा कब करता है? 24 घंटे में। पीरियड ऑफ रोटेशन अर्थ डे मतलब 24 घंटे। इसी वजह से तो हमारे 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे इसी वजह से तो हम रखते हैं घड़ी पे, इसी वजह से हम 24 घंटे रखते हैं। यहाँ से हमें पता लग गया, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। What would happen if the earth did not rotate? हमने ये तो देख लिया कि भाई अर्थ रोटेट करता है, रिवोल्यूशन भी करता है सर के अराउंड फिक्स पाथ में। मगर क्या हो कि अगर अर्थ जो है रोटेट ही ना करे? मान लो अर्थ रोटेट नहीं किया, फिर क्या होगा? दिन और रात होंगे ही नहीं, होंगे मगर वो दिन और रात हमेशा के लिए रहेंगे, कहीं दिन होगा कहीं रात होगी। तो द सन इज अ पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। बिल्कुल, जो सन के सामने होगा वहां हमेशा डे होगा, और जो सन के पीछे होगा वहां पे हमेशा नाइट होगी। अब जो सन के आगे वहां तो गर्मी होगी ना, वार्म तो होगा, कंटिन्यूसली वार्म होगा, और जो पीछे होगा वो कंप्लीटनेस डार्क में होगा। अब जो सन है ही नहीं तो वो फ्रीज होगा, कोल्ड होगा। तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अगर इस तरीके का एक्सट्रीम सन की लाइट कहीं पे पड़ रही है और एक्सट्रीम सन की लाइट कहीं पे नहीं पड़ रही है, तो वी कैन नॉट लिव देयर बिकॉज इट इज एन एक्सट्रीम कंडीशन। और एक्सट्रीम कंडीशन में पीपल डोंट हैव द लिविंग। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन है भाई, हमें तो बैलेंस चाहिए, ना कि ज्यादा ना ही कम। बैलेंस में अगर नहीं है तो ह्यूमन लाइफ विल नॉट सर्वाइव। वही बात है, अगर ऐसा होगा अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रहा होता तो हम जी नहीं पाते, इसका कहने का यही मतलब है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब पहला मोशन तो कर लिया भाई, अब सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, सन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अभी हमने रिवोल्यूशन पढ़ा था, तो सन के अराउंड ही अर्थ जो है मूव करता है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। अब सेकेंड मोशन करेगा उसे भी रिवोल्यूशन बोलेंगे, चलिए बोल दिया। अब इट टेक्स अराउंड 365 and 1/4 days, दैट इज 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इतने दिन लगते हैं एक सन को रिवॉल्व करने में। क्या करने में? रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? रिवॉल्व करने में 365.5 days लगते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है कि 1 year का टाइम है? 1 year में आप सब जानते हैं कितने दिन होते हैं एक साल में? एक साल में होते हैं 365 days। अब जो 365 days होंगे तो उतने में ही ये रिवॉल्व करेगा, एक साल में रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम जो है 365 days ही ले रहे हैं, और जो 1/4 है ना, मान लो ये कितना हो गया, 60 hours हो गया, सॉरी 6 hours हो गया, तो इन 6 hours को जो है हम इग्नोर कर देते हैं। भाई 365 दिन ही है, ये 6 hours को इग्नोर कर दो वरना हमें परेशानी हो जाएगी टाइम पता करने में। तो ये बात है, तो आपको ये रिवोल्यूशन भी पता लग गया। यहाँ पे एक चीज में कन्फ्यूज कभी मत होइए, ये जो रिवोल्यूशन है ये सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ बोल रहा है, और यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था रिवोल्यूशन के लिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। मैंने थोड़ी बोला था कि फर्स्ट मोशन ही होना चाहिए, सेकेंड मोशन है यहाँ पे। चलिए सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ मान लिया हमने, सेकेंड ऑफ द अर्थ मोशन कैसे मान लिया? फर्स्ट हमने देखा था रोटेशन, सेकेंड हमने देखा रिवोल्यूशन, फर्स्ट हमने वहां पर बात कर ली, या सेकेंड की बात कर रहे हैं, ना कि ये दूसरा कोई अर्थ का मोशन है, ये टाइप है उसका मोशन का टाइप, सेकेंड मोशन टाइप हम लिखते हैं, सेकेंड मोशन टाइप। तो मोशन नहीं हो रहा, ये सेकेंड मोशन टाइप को बता रहा है वो रिवोल्यूशन है, उसकी बात ही कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया रिवोल्यूशन करता 365 days में सन के अराउंड जो रिवॉल्व हो जाता है, एक्चुअली वो 365 1/4 days होता है। यहाँ तक हमें पता लग गया।
कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। 6 घंटे हमने जो है इग्नोर कर दिए कि भाई चलो छोड़ दो 6 घंटे, वो 2400 घंटे ही मान के चलते। तब देखिए क्या हुआ, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, तो हर साल में हम 6 घंटे जो है बचा लेते हैं, 365 डेज मानते हैं हर साल में, तो हम जो है 6 घंटे जो है बचा लेते हैं। और ये जो 6 घंटे है ना सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, दैट इज 24 आवर्स ओवर अ स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। और 4 साल में हम क्या करते हैं, फिर इसे हम 1 दिन बढ़ा देते हैं, और फिर क्या करते हैं 4 साल में हम ऐड कर देते हैं 1 डे को, मतलब 4 साल बाद हम 1 दिन जो है बढ़ा देंगे, क्योंकि आपने देखा हर एक साल हम 6 घंटे बचा रहे हैं, तो 4 साल में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे, मतलब 1 दिन हमने 1 दिन जो है एक्स्ट्रा कर लिया, तो हमारा जो है 6 घंटों में हम कितना टाइम बचा रहे थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा। क्योंकि आप सब सोचिए कि 365 डेज है और उसमें 1.5 डेज भी है, 1.5 डेज मतलब 6 घंटे बचा लिए। अब ये जो 6 घंटे हैं मान लो इनको 4 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 24 घंटे। अब 24 घंटे मतलब 1 दिन, तो मतलब हमारे हम मानते हैं 365 डेज ही हैं, मगर 1 दिन और बढ़ जाता है कब, 4 साल बाद। 4 साल बाद हम 1 दिन और बढ़ा देते हैं, और वो जनरली बढ़ाते हैं क्योंकि हर साल हम 6 घंटे बचा रहे हैं। ये साल बीत जाएगा 6 घंटे बच जाएंगे, अगला साल बीतेगा 6 घंटे बचेंगे, तो जैसे ही 4 साल हो जाएंगे हम 1 दिन बढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो अर्थ का ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है ना इसमें कोई चेंजेस ना हो, हमारी घड़ियों में कोई चेंजेस ना हो, इस वजह से हम यहाँ 1 दिन बढ़ा देते हैं डे और नाइट के लिए। यहाँ तक समझने में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते। दिस सरप्लस डे जो आया 365 तो था ही सही, हमने और बढ़ाया 4 साल बाद बढ़ाया, मगर ताकि 6 × 4 = 24, मतलब बढ़िया, इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। आप सब जानते हैं फरवरी में 28-29 हो जाते हैं, क्यों होते हैं, इसका कारण यही है कि भाई आपके पास दिन तो अगर एक रिवॉल्यूशन करता है ना अर्थ सन के अराउंड करेगा तो उसे रिवॉल्यूशन कहेंगे, और वो 2400 घंटे में करता है। अब 24 घंटे में करता है, उसके साथ 6 घंटे भी हैं, क्योंकि 365 दिन होते हैं कितने में, एक साल में, मगर एक 365 ना होकर के यहाँ पे मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 365.5 इनको करा अपने तो 6 घंटे एक्स्ट्रा आ गए, 365 मतलब 24 घंटे, ये मतलब 6 घंटे, और इनको 4 से किया तो 24। इस तरीके से हमारा 1 दिन बढ़ जाता है, और फरवरी में हम उस 1 दिन को ऐड कर देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हर 4 साल बाद हमारी फरवरी में जो है 1 दिन ज्यादा आता है, उसका यही एक कारण है, ताकि हम ये सारी चीजें जो हमने करी है वो चेंज ना हो, और हमारा जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है अराउंड सन वो ठीक है, रोटेशन तो हो नहीं रहा, रिवॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि सन के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है, सन के चक्कर लगा रहा है कहाँ पे ऑर्बिट, वो भी फिक्स पाथ है। अब चलिए आगे चलते हैं। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, ये क्लियर हो गया। तो इसी वजह से 28 नहीं 29 डेज होते हैं फरवरी में हर 4 साल बाद, क्योंकि जो 6 घंटे बचे हैं वो 4 साल बाद ही 24 घंटे बदलेंगे, तो इसलिए 4 साल बाद ही 1 दिन ऐड करेंगे हम फरवरी में। चलिए अब आगे देखते हैं। सच ए ईयर विथ 366 डेज हो गए, 1 दिन ऐड कर दिया 366 डेज हो गए, इसे हम लीप ईयर कह देते हैं। तो लीप ईयर क्या है, जिसमें 1 दिन ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है कारण बता दिया मैंने आपको, 365 तो हम मान के चलते हैं कि होंगे, 365 होते नहीं है, 365 प्लस 1.5 डेज भी होते हैं, तो उनको अगर हम 1.5 को मतलब 1/4, अब 1/4 को अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 6 आवर्स आएंगे, अगर हम उन्हें घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा 6 आवर्स आ जाएंगे, 6 × 4 = 24, 24 से हम जो क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को, तो 4 × 6 = 24 आ जाएगा, तो हमें 6 घंटे मिल गए। अब यहाँ पे देखिए ना ये 1/4 ये जो है 1/4 ये 365 प्लस 1/4 था, अब हमें इसे कितने 6 घंटे कैसे बने, भाई इसको डेज है, अब डेज को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, तो 24/4 तो कितना आ गया 6 घंटे आ गए ना,
6 घंटे प्लस 6 घंटे और ये था, अगर 4 साल इनमें ऐड कर दो, 4 साल में ये 1 साल में 6 घंटे बचा रहे हैं, 4 साल में कितने बचाएंगे, 24 घंटे, 24 घंटे में 1 दिन हो गया, तो ये लीप ईयर हो गया। यहाँ तक समझने में आ गया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे चलते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। आप अपने कैलेंडर को देखिए और उसमें देखिए फरवरी में कब 29 तारीख, और उस 29 तारीख के बाद आप 4 साल के बाद फिर देखिए, फिर आपको 29 तारीख मिलेगी, और फिर उस 29 तारीख के बाद आप 4 साल बाद फिर देखिए, आपको 29 तारीख मिलेगी, और उन 4 साल में तो 28 दिन ही रहने वाले, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फिगर 1.3.3, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। अब इलेप्टिकल पाथ होता है, मतलब गोल पाथ नहीं होता, इस तरीके की न्यू 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 इस तरीके का जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, जिसपे सन जो है सन के अराउंड अर्थ जो है मूव करता है, ठीक है। इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड जो है मूव करता है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमने देख लिया इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये ऑर्बिट पे जो फिक्स पाथ है, ये पाथ फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता, फिक्स पाथ होता है ऑर्बिट का, ठीक है। इसी वजह से तो हम ऑर्बिट में हमारे सैटेलाइट्स को कराते हैं, क्योंकि फिक्स पाथ है, कभी चेंज नहीं होगा, तो ऑर्बिट को वहां बिठा दो तो वहां पर राउंड करता ही रहेगा वो। अब चलिए आगे, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ जो इंक्लाइंड है मतलब झुका हुआ है, कब कहां पे, सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन न्यू तरीके से अर्थ जो है झुका हुआ, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, और एक्सिस जो है इसके इधर, ठीक है। मगर इससे हमें पता क्या लग रहा है कि अर्थ जो है एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जो है क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, झुका हुआ है। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा झुका हुआ, यहाँ झुका हुआ है, हमने सोचा था ये, मगर ये एक्सिस है, यूं झुका हुआ है। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में भी आपको अर्थ यूं टेढ़ा ही मिलेगा, तो उसका कारण यही है कि उसी वहां पे इंक्लाइन होता है। अब चलिए देखते हैं, ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर। एक साल जो है वो एक तो समर में डिवाइड होता है, एक विंटर में डिवाइड होता है, एक स्प्रिंग में और एक ऑटोमन सीजन में। ये 4 तरीके के सीजन होते हैं। एक क्या होता है समर, जिसमें बहुत गर्मी पड़ती है, एक विंटर जिसमें बहुत सर्दी पड़ती है, फिर उसके बाद फिर स्प्रिंग आता है जिसमें सर्दी और गर्मी का मिक्सचर होता है, बट ज्यादा क्या होता है सर्दी, गर्मी थोड़ी कम होती है। फिर उसके ऑटोमन आता है, इसमें सर्दी भी होती है गर्मी भी होती है, बट गर्मी आने वाली होती है, इस वजह से इसे ऑटोमन कहते हैं, ठीक है, और इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। तो इसके बाद वापस से क्या आ जाएगा, समर, फिर वापस विंटर, फिर स्प्रिंग, फिर ऑटोमन, इस तरीके से चलते रहेंगे इसी सीजन से, ठीक है। तो हम एक साल में इस तरीके के 4 सीजन देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो अर्थ है ना उसकी पोजीशन सन के अराउंड चेंज होती रहती है। इस पाथ में तो करता ही है, इस सन यहाँ पे, ये क्या है, इस सन है, ये अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, सॉरी रिवॉल्व कर रहा है, तो कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा अर्थ, तो हर जगह पोजीशन चेंज हो रही है अर्थ की, तो अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, तो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन, ये सब भी अलग अलग तरीके से आएंगे एक साल में, हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। अब मैं इसे आपको एक डायग्राम से भी बता देता हूँ, चलिए इस डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बताया हुआ है, मैंने बताया ना इलेप्टिकल पाथ, ये हमारा इलेप्टिकल पाथ, सन के अराउंड जो है हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समर का देखते हैं, ये देखिए समर यहाँ पे है, ये हुआ समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है इसकी पोजीशन अर्थ की, रेज आ रही है कहाँ पे, यहाँ मैंने बताया था इस डायरेक्शन में, यूं झुका हुआ है, झुका हुआ यहाँ पे, और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, समर होगा, ठीक है, ये हमने देख लिया। और इसे हम क्या कह देते हैं, विंटर सोलिटाइज भी कह देते हैं, और विंटर होगा कहाँ पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इसी से हम इसे विंटर सोलिटाइज कहते हैं, जो 22 दिसंबर को आता। उसी तरीके से फिर जैसे मैंने आपको बताया था ना, समर के बाद, समर के बाद क्या आएगा, समर के बाद स्प्रिंग आता है, क्यों, क्योंकि विंटर यहाँ पे है कहाँ पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और समर जो है कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये जाएगा तो यहाँ पे देखिए साउथ में, और ये नॉर्थ में, साउथ में क्या हो जाएगा, साउथ में समर हो जाएगा, और नॉर्थ में कुछ और हो जाएगा विंटर, तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे ही बनेगी, और यहाँ पे इक्विनॉक्स होगा,
क्योंकि इसकी पोजीशन जो है चेंज हो चुकी है। अब ये कहाँ पे, जो पहले यहाँ पे समर था, अब यहाँ पे जो है अलग तरीके की पोजीशन होगी और ऊपर जो है अलग तरीके की पोजीशन होगी, तो यहाँ पे जो ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा राउंड बाय राउंड चलता है, पहले समर, फिर स्प्रिंग, फिर विंटर, फिर हमारा ऑटमन आ जाता है। इन दोनों पोजिशन में तो सबसे ज्यादा दूर है संजय, इसमें सबसे ज्यादा पास है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा पास है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी कि भाई इसके बाद जाके हमारा बिल्कुल समर आ जाएगा और इसके बाद जाके हमारा बिल्कुल विंटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इसके बारे में ही थोड़ी बहुत जानकारी और लेंगे कि समर सोल्स्टिस और ये वगैरह इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अभी तो सिर्फ हमने मैप से स्टडी करी है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।